हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। अच्छे हैं ना तुम लोग? और बहुत मजे में तुम लोग की पढ़ाई भी हो रही है। वेरी गुड। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ माय बुक्स। तो भाई बुक्स, हर एक के पास अपने अपने बुक्स होते हैं और अपने अपने बुक्स हर किसी को प्यारे होते हैं, है ना। अभी तुम लोगों के भी बुक्स होते हैं तो तुम लोग उसको अच्छे नए नए बुक्स लेकर आते हैं, तभी अच्छे से कवर डालते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं, वो भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके नाम लिखते हैं, है क्या नहीं। और तुम लोगों की बुक से तुम लोगों को प्यार भी है क्या नहीं। तो इस तरह से ये जो पोएट्री लिखी हुई है ना, तो ये लिखी हुई है माय बुक्स के ऊपर, यानी मेरी किताब। अभी किताब जो होते हैं वो तरह तरह के किताबें होती है, उसमें हर तरह की बातें लिखी हुई रहती है जो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अभी ये जो हमारे कवि है, कौन है भाई ये? हाँ, एनोनिमस यानी अनाम कवि है, उनका नाम नहीं पता है इन्होंने किसने लिखा हुआ है ये। तो उन्होंने ये जो लिखा हुआ है बुक्स के बारे में, तो एक बच्चा जो होता है उसका एक बुक होता है, एक स्टूडेंट जो होता है उसका जो एक बुक होता है, तो उसके बुक के प्रति उसकी क्या क्या फीलिंग्स होती है, उसकी क्या क्या थॉट प्रोसेस होती है कि बुक्स में से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, वो एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक्सप्रेस किया हुआ है। इस तरह से उन्होंने ये पोएट्री में हम लोगों को दिखाया हुआ है। तो इसके पहले जो लेसन मैंने अपलोड किए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। और मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हुए हैं और इसके भी मैं जल्दी ही आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करने वाली हूँ। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई ये पोएट्री माई बुक। आई लव माई बुक्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अपने बुक्स से तो हर कोई प्यार करता ही है। आई लव माई बुक्स, दे आर द होम। तो जो बुक्स है ना वो घर है, ओके बुक्स जो है वो घर है। किसके घर है वो? ऑफ क्वींस एंड फेरीज, तो रानी लोगों के और परियों के वो घर होते हैं। क्यों ऐसे कहा है कि रानी लोगों के और परियों के? क्योंकि परियों की कहानियाँ, राजा रानी की जो कहानियाँ होती है वो किताबों में से ही पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इसके लिए वो घर है क्वींस और फेरीज के एंड नाइट्स एंड गोम्स के। अभी जैसे नाइट्स यानी क्या? शूरवीर। अभी कभी भी एक बात आप लोग याद रखना, अभी ये जो नाइट्स है ना, अभी इसका जो स्पेलिंग है KNIGHTS, लेकिन ये जो के है ना इसका आप लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे। ये के है, ये है साइलेंट, तो कनाइट्स नहीं पड़ेगा कोई भी, ठीक है? कनाइट्स नहीं है वो, उसे नाइट्स ही पढ़ेंगे आप लोग, ओके। और ये KNIGHT नाइट्स यानी शूरवीर, बहादुरी की कहानियां होते हैं। और ये जो नाइट्स होता है यानी रात, अंधेरा, ठीक है? ये डिफरेंस आप लोग समझ के रखना। अभी जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश में जिसमें हम लोग साइलेंटली यूज करते हैं। अभी ये है नोम्स, तो नोम्स में का जो जी होता है ना, ये जी होता है साइलेंट, तो गनोम्स नहीं बोलोगे तुम लोग, इसे बोलोगे तुम लोग नोम्स, ठीक है? नोम्स यानी जो बौने होते हैं ना, जिनकी हाइट छोटी होती है बहुत, तो उन्हें कहते हैं नोम्स यानी बौने, ठीक है? तो उनके ये घर है कौन? तो किताबें, बुक्स। ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल, जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं इन लोग को बुलाती हूँ। वन सम क्वेंट पर्सन लार्ज और स्मॉल, तो कुछ एक अजीब पर्सन आता है जो
बड़ा होता है या फिर बहुत छोटा होता है। वो वेलकम्स मी विथ अ हार्टी हैंड। तो अभी देखो हम लोग कैसे वेलकम करते हैं ना कि अरे आइए आइए ऐसे करके, तो वो भी उसे इसी तरह से वेलकम करता है हार्टी हैंड से। एंड लीड्स मी थ्रू हीज वॉन्डरलैंड, और उसका जो वॉन्डरलैंड में है वो मुझे लीड करता है वो वॉन्डरलैंड दिखाने के लिए। ईच बुक इज लाइक अ सिटी स्ट्रीट, ईच बुक इज लाइक अ सिटी स्ट्रीट। हर एक जो बुक है ना वो एक सिटी के स्ट्रीट के जैसा है। जैसे शहरों के जो रास्ते होते हैं, शहरों के जो सड़क होते हैं, या तो उसे कहते हैं सिटी स्ट्रीट। अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट, यानी अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट, यानी वहाँ पर के जो रास्ते कैसे होते हैं ना, घुमावदार रास्ते होते हैं, और मैं वहाँ पर किसे मिलता हूँ, न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग। तो वहाँ पर मुझे नए दोस्त भी मिलते हैं, कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं जो गाना गाते हैं और हंसते भी हैं और गाना भी गाते हैं। एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग, और इस तरह से वो लोग मुझे लेकर जाते हैं एक रोमांचकारी दुनिया में। तो इस तरह से ये जो पोएट्री थी बहुत ही अच्छी थी, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तब तक के लिए आप लोग पोएट्री एक बार लर्न करके रखिएगा। तो जब आप लोग पढ़ोगे ना तो किस तरह से पढ़ोगे, आई लव माई बुक्स दे आर द होम्स ऑफ queens and fairies and knights and gnomes. Each time I read, I make a call on some quaint person, large or small, who welcomes me with a hearty hand and leads me through his wonderlands. Each book is like a city street, along whose winding way I meet new friends and all who laugh and sing and take me off adventuring. तो इस तरह से क्यों मैंने आप लोग को इसे बताया, क्योंकि आप लोग को अगर याद करना हो तो ये आसान पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। और थोड़ी सा मेरा आवाज़ बैठ गया है बच्चों, तो प्लीज़ हंसना मत, तुम लोग मेरे पे देखो, हंसोगे तो देखना तुम लोग दांत गिर जाएंगे तुम लोग के, नहीं हंसोगे ना, प्रॉमिस। हाँ तो ठीक है, देखो मेरा गला बैठा हुआ, मेरी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है, तो हंसेंगे नहीं तुम लोग। ओके, तो अभी हम लोग जाकर आए हैं अपनी बुक्स की दुनिया में जो बहुत मज़ेदार होती है ना। और अभी इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी अपलोड कर रही हूँ मैं, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।